हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग व्यू के जितने भी सारे फीचर्स हैं उन सभी फीचर्स को आप फ्री में कैसे यूज कर सकते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इन फीचर्स को यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपका जो ये रिप्ले बार है इसको आप कैसे यूज करोगे फ्री में। सबसे बड़ा एक एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा कि आप जब भी प्रैक्टिस करोगे या प्रैक्टिस के लिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो सारा कुछ आपको सही से और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तीसरी चीज ये कि ट्रेडिंग व्यू का एक तरह का क्लोन की तरह काम करेगा, यानी कि जो ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स हैं लगभग सारे आपको सेम मिल जाएंगे। एक सबसे अच्छा एडवांटेज आपको ये भी मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अपन जानते हैं कौन सा है वो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है एंड गूगल पे आपको यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? ट्रेडिंग लीड सर्च करना है। ट्रेडिंग लीड को सर्च करने के बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आपकी स्क्रीन ओपन होती है तो आपको दो चीज करनी है। जैसे ही ट्रेडिंग लीड ओपन होता है तो या तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो जो भी आप डाटा वगैरह सेव करेंगे वो सेव होकर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप करना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, आप जैसे ही इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आते हैं आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप सभी लोगों को या तो मेल आईडी से साइन अप कर लेना, नहीं करना तो आप अपने अकाउंट को डायरेक्ट गूगल से भी लिंक कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, तो जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये मेरा जो है ओपन हो गया नया प्लेटफॉर्म। अब मैं इसी को रिफ्रेश करूंगा तो यहीं पे ओपन हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं, आपके ऊपर है सारा कुछ आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये और है कि यहाँ पे मोर टाइम फ्रेम्स एडेड, ये बहुत सारे नोटिफिकेशन इसके आते रहते हैं तो उस पे अपने को नहीं जाना है। ठीक है, अब मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ यहाँ से एंड लॉगिन स्क्रीन पे चलते हैं फिर अपन। तो ये मैंने लॉगिन विंडो कर लिया है। ठीक है, लॉगिन विंडो आप करेंगे तो आपका नाम शो होने लग जाएगा यहाँ पे। अब जैसे आपका नाम शो होता है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी 50 स्टॉक्स, इस पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि आपको निफ्टी निफ्टी आईटी 50 जो भी है सारा कुछ। एंड में आपको मिलेगा फोरेक्स वगैरह, तो फोरेक्स पे आपको क्लिक करना है। फोरेक्स में आने के बाद यहाँ पे आप जैसे ट्रिकर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि A to Z सीरीज में आ जाएगा यार। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, A to Z सीरीज में आ चुका है ये। तो यहाँ इसे लेकर जेड तक जितने भी पेयर्स कमोडिटीज करेंसीज है वो सारा का सारा कुछ यहाँ पे शो कर देगा जो भी फॉरेक्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गया, CHF आ गया, ऑस्ट्रेलियन JPY आ गया, ये सारा है। जैसे आप किसी भी यहाँ पे फंक्शन को एज ए शो करना चाहते हो या एज ए उसको देखना चाहते हो तो आपने कुछ नहीं करना, इस पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, चार्ट ओपन होने के बाद आप किसी भी पेयर को अगेन यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से ये अगेन एंड अगेन चार्ट ओपन होता रहेगा। तो आपको जो भी पेयर अच्छा लगे उसको आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से साइड में कर देंगे ताकि आपकी स्क्रीन बड़ी होगी। आपको अगर कोई फिर भी पेयर चेक करना है तो यहाँ पे ये काफी सारे पेयर है, ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना, सेव है यहाँ पे। अगर आप सेव करना चाहते हैं कि जो भी आप ड्रॉइंग करें सेव हो जाए तो उसके लिए आपको मेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना, आपका जो भी डाटा है वो सारा का सारा यहाँ पे सेव रहेगा। ठीक है, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप सेव कर देते हैं तो आपको चले जाना है इस एरिया पे। यहाँ पे अब कुछ भी शो नहीं हो रहा है ना, आपने वॉच लिस्ट बनाई है। अगर आप बनाना चाहते हैं क्लिक कर दीजिए, जैसे मैं अपने नाम से एक वॉच लिस्ट बना रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने वॉच लिस्ट बनाई तो इसमें कोई भी पेयर नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें यही है कि आपने वॉच लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनानी है इसमें। जब भी आप वॉच लिस्ट बनाएंगे दिक्कत क्रिएट होती है। इसमें क्या होता है कि आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो भी चीजें हैं एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे हर्डल्स दिखते हैं इसमें, क्योंकि अभी तक ये प्लेटफॉर्म इतना नहीं है। बट अपने को यहाँ पे बैक टेस्टिंग करनी है तो आप इसको क्या करिए, यहाँ पे क्लियरिंग कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी एक रेड कलर कर दीजिए। अब जैसे आप रेड कलर कर देते हैं तो आप सिर्फ रेड वाले में चले जाइए, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया।
है, इसको इस तरह से स्क्रॉल कर दी, ये आपका स्क्रीन आ चुका है। इसी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये स्क्रीन हो चुकी है बड़ी। अब सबसे पहली बात है, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे अपन जाते हैं, तो इंडिकेटर में जितने भी सारे इंडिकेटर्स है वो सारे यहाँ दिए हैं, जो यहाँ पे है ऑलरेडी वही आपको इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं। आपको मैं नहीं बता सकता कि आप जिस पे ट्रेड करते हो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बात करें तो आप बार कैंडल मिल जाएगा, कैंडल मिल जाएगा, होलो मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगा, लगभग सारे फीचर्स सेम है ट्रेडिंग हुआ है। टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 मिनट से लेकर 30 मिनट्स के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे 45 मिनट नहीं है, जैसा कि आप उस पर देख पाते हैं 1 आवर से लेकर 4 आवर है। 1 डे, वीकली एंड मंथली, ये टाइम फ्रेम्स अवेलेबल है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे करेंसी आपको दिखी रही है, करेंसी का क्या है यहाँ पे दिया हुआ है टाइम फ्रेम, तो इसको जैसे आप क्या करते हैं 1 आवर पे स्विच कर लेते हैं। ठीक है, स्विच करने के बाद इधर को आपको ये सारे के सारे इंडिकेटर्स या टूल सेक्शन बार दिख जाएगा, जहाँ पे फिबोनाची, रिट्रेसमेंट, ये सारे के सारे कंप्लीट टूल आपको वो मिल जाएंगे जो ट्रेडिंग व्यू में टूल्स हैं। ठीक है, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स यहाँ पे आए। उसके बाद है एड टू वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई फ्लैग वगैरह देके जो भी आपने करना। अब सबसे मेन चीज ये आ जाती है कि बार रिप्ले इसमें काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे कोई भी प्रीमियम, कोई भी सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं ले रखा है, सिर्फ आपको बार रिप्ले पे जाना है। ठीक है, बार रिप्ले पे क्लिक करना है एंड ओके पे क्लिक कर देना। अब ये लाइन आ गई है, इस पे जैसे ही लाइन पे आप क्लिक करोगे ये क्या करेगी, यहाँ से इसने मार्केट को कट कर दिया है। अब यहाँ से आप देखिए अपना बार रिप्ले स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा कि 1 सेकंड में 1 बार चलेगा, यहाँ पे देखेंगे 8.8 बार चलेंगे सेकंड्स के अंदर। तो इस तरीके से आप जो भी अपना करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है टोटली, ये आपकी स्वेच्छा अनुसार है कि आप कितना धीरे तेज वगैरह करना चाहते हैं, वो सारा का सारा मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे चल रहा है मार्केट। अब लाइव मार्केट में आप टेस्टिंग करिए, इसमें चाहे बैक टेस्टिंग करिए, सारा कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये जो वेबसाइट है। इस पे आप ट्रेड करिए, कुछ भी करिए, जो आपकी इच्छा हो आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप सिर्फ बार रिप्ले का यूज करके जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करिए और उतनी ही अच्छी चीजों को आप इम्प्रूव करिए एंड अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बेटर करिए। बाकी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, फुल स्क्रीन यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, उसके अलावा फुल स्क्रीन यहाँ से भी कर सकते हैं आप, काफी सारे ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे ये करेंसी। अब एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो यहाँ पे ये है कि जब आप यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे तो उस प्लेलिस्ट के अंदर कुछ भी सेव करेंगे तो उसमें बार रिप्ले काम नहीं करेगा। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसके अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोटक में गए, कोटक के बाद यहाँ पे न्यू क्रिएट लिस्ट के एंड मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ और ये लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब मैं कोटक पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बार रिप्ले पे गया, ओके किया, ठीक है, ये अब काम कर रहा है। अब कभी बार देखना आपका ये काम नहीं करेगा, कभी कभार ही आपको यहाँ से रिजेक्ट कर देगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना सेव करे, बिना प्लेलिस्ट बनाए, आप डायरेक्ट यहाँ से सिर्फ अपना प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका नाम है ट्रेडिंग लीड डॉट इन।